वहीं मेरठ में महामारी कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन भी अभी जारी किया गया है। तो वहीं इस खतरे से बचने के लिए भी सभी से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की जा रही है। और लेकिन अब तो सरकार में भी शामिल विधायक ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। साथ ही बता दें, लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी गई है और ये जो प्रत्याशी हैं बिना मास्क मुंह पर लगाए हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए प्रचार कर रहे हैं। ये मेरठ से तस्वीरें सामने आई हैं जहां कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पूरा करना चाहिए। अभी मेरा मास्क था, वो एक उसकी पट्टी टूटने के कारण गिर गया। किस तरीके चुनाव प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरा, क्या लक्ष्य है, किस तरीके से आगे बढ़ा? लक्ष्य है पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रत्येक मेरठ जिले की हमारी 33 सीट है, 33 की 33 सीट हम लोग जीतेंगे। और अपना पूर्व में भी हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष थे और दोबारा हम जिला अध्यक्ष अपना पंचायत का बनाएंगे। क्या लक्ष्य हो? लक्ष्य यही है, सबका साथ सबका विकास, सबको अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी जितने जिला पंचायत के सदस्य सबको जिता करके लाए, सभी विधायक सभी सांसद पूरी पार्टी पूरा संगठन एकजुट होकर एक एक कार्यकर्ताओं को जिता करके लाए। वहीं भदोही में औरंगाबाद के मतदान केंद्र के सामने बड़ी संख्या में एकत्रित भीड़ आपस में भिड़ गई है। बता दें, लोगों ने जमकर हंगामा किया और इसके साथ ही बोलेरो गाड़ी का शीशे तक तोड़ दिए। बता दें, मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ दिया, जिसके बाद आपको बताते चले कि औरैया ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत औरंगाबाद गांव के मतदान केंद्र का यह मामला है जहां पर भारी संख्या में मतदाताओं की भीड़ जुटी थी और आपस में किसी बात के चलते विवाद हो गया और हाथापाई शुरू हो गई। हालांकि पुलिस ने पहुंचकर मौके पर भीड़ को शांत कराया और पूरे मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ धारी लोगों ने यहाँ पर दबाव बनाने का प्रयास किया था और बूथ के पास तक आ गए थे और हम ओसीओ साहब राउंड पे थे, हम लोगों को जानकारी मिली, तत्काल आके उनको खदेड़ा गया है और काफी दूर तक खदेड़ के बाहर किया गया है और उसमें एक आध दो लोगों को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराने की कार्रवाई की जा रही है। सर, आपके द्वारा इतने 107 और 151 किए गए, उसके बाद भी ऐसी घटना, ये उसी का परिणाम है कि इतनी शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो गया है। नहीं तो अन्य पुराने चुनाव में आप देखते रहते थे कि 40 से 50 जगह घटनाएं हो जाती थी, इस बार तो नॉमिनल एक आध दो घटनाओं छोड़ के चुनाव शांतिपूर्ण रहा। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज़।